3 मार्च 2009 जगह पाकिस्तान के लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम। टेस्ट मैच के 2 दिन हो गए थे। श्रीलंका के थिलन समरवीरा ने शानदार दोहरा शतक जड़ा था, लेकिन इस मुकाबले को कोई भी इन वजहों से याद नहीं रखता। किन वजहों से याद रखता है बताएंगे आपको, क्योंकि श्रीलंकाई टीम के पाकिस्तानी दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। श्रीलंका के 10 बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पॉल फॉरब्रेस 2007 से 2009 तक श्रीलंका के असिस्टेंट कोच थे। क्रिक इन्फो के लिए लिखे एक अपने आर्टिकल में उन्होंने अपना अनुभव बयां किया। पॉल उस बस में बैठे थे जिस बस में श्रीलंका के क्रिकेटर सवार थे और बस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी, जहाँ टेस्ट मैच के 3rd दिन का खेल होना था। पॉल बस के लेफ्ट साइड की ओर से 3 सीट छोड़ के बैठे थे। उनके पीछे बैठे थे अजंता मेंडिस और आगे बैठे थे थरंगा परनवीताना। श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बस जैसे ही लाहौर के गुलमर्ग से लिबर्टी चौक की ओर बढ़ी, हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। बस में गेट डाउन का शोर उठा। तिलक रत्न दिलशान चिल्ला रहे थे। पॉल को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे आतंकी हमले में फंस गए हैं। बस पे आतंकी हमला हुआ है, वे सोच रहे थे कि सड़क पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। पॉल अपनी सीट पर छुपने की कोशिश में थे कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ में जोर का झटका महसूस किया। उनकी बांह में बम का एक टुकड़ा लगा हुआ था और चारों तरफ खून बह रहा था। श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। जाने माने विकेटकीपर कुमार संगकारा भी उसी बस में थे। संगकारा के मुताबिक श्रीलंकाई खिलाड़ियों के काफिले में 4 पुलिस कारें थीं। 12 पुलिसकर्मी थे और कुछ सुरक्षाकर्मी मोटर बाइक पर सवार थे। सड़क की एक लेन श्रीलंकाई खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थी ताकि उन्हें जाम से बचाया जा सके। उनके दिमाग में किसी आतंकी हमले का जरा सा भी शक नहीं था। लेकिन संगकारा बस में थिलन समरवीरा के आगे बैठे थे। उनके पास थे परनवीताना। संगकारा ने अपना सिर ऊंचा कर बाहर झांकना चाहा कि एक गोली उनके कान के बगल से निकली। श्रीलंकाई विकेटकीपर के होश उड़ गए, लेकिन एलटीटीई का दंश झेलने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी शांत बने रहे। संगकारा के मुताबिक बस में 2 मिनट तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक खिलाड़ियों ने ड्राइवर को तेजी से बस भगाने को कहा ताकि जल्दी से स्टेडियम पहुंचा जा सके। हमले के बाद कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने बस के ड्राइवर मोहम्मद खलील को शुक्रिया कहा था, क्योंकि ये मोहम्मद खलील ही थे जिनकी वजह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों की जान बच पाई थी। आतंकियों ने बस के टायरों में गोली मार दी थी और बस के ड्राइवर मोहम्मद खलील को भी खतरा था, क्योंकि आतंकी सामने से भी बस पर फायर कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद खलील ने स्टीयरिंग संभाली और बस को तेजी से स्टेडियम की तरफ दौड़ा दिया। बाद में संगकारा ने कहा था कि अगर खलील ने जबरदस्त साहस नहीं दिखाया होता तो शायद ही किसी खिलाड़ी की जान बच पाती। बाद में खलील को पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकार ने भी सम्मानित किया। लाहौर के लिबर्टी चौक से थोड़ा आगे हुए इस हमले में श्रीलंकाई खिलाड़ी 12 आतंकियों से घिर गए थे। ऐसा नहीं था कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर सिर्फ गोलियां बरस रही थी, आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया था। लेकिन बम का गोला बस को मिस कर गया। एक रॉकेट बिजली के खंभे से जा टकराया था, जबकि एक हैंड ग्रेनेड में विस्फोट ही नहीं हुआ। संगकारा के मुताबिक उन्हें शक था कि उन लोगों की बस को कोई फॉलो कर रहा था, लेकिन खिलाड़ियों की किस्मत अच्छी थी कि वे बच गए। खिलाड़ियों से भरी बस जैसे ही स्टेडियम के गेट पर पहुंची, थरंगा ने कहा कि उन्हें गोली लगी है। वे अपनी छाती पकड़े सीट पर ही गिर गए। खिलाड़ियों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन थरंगा को बुलेट उनकी छाती के बीचोंबीच उरोस्थी पर लगी थी। सौभाग्य था कि गोली अंदर नहीं घुसी थी। थोड़ी देर बाद थिलन समरवीरा ने अपने पैरों के सुन्न होने की बात कही। पता चला कि उनके पैरों में गोली लगी है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों में थिलन समरवीरा और थरंगा को सबसे ज्यादा चोटें आई थी। संगकारा के कंधे में चोट लगी थी। मेटल और शार्पनेल के टुकड़े उनके कंधे में धंसे थे। अजंता मेंडिस के सिर और गर्दन में छोटे छोटे मेटल के टुकड़े धंसे थे, जिनके इलाज के लिए मेंडिस के सिर के बालों को साफ करना पड़ा। पॉल फॉरब्रेस की दाहिनी बांह में शार्पनेल का एक टुकड़ा निकला, जबकि जयवर्धने के घुटने में कट लगा था। जैसे ही खिलाड़ी थोड़ा रिलैक्स हुए, उनके फोन घनघनाने लगे। ऐसा नहीं था कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को पाकिस्तान में सुरक्षा की चिंता बिल्कुल नहीं थी। दौरे से पहले श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने चाक चौबंद सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा। श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर हमला हो गया।
जेंटलमैन गेम के लिए 3 मार्च 2009 का दिन बहुत बुरा था। लाहौर हमले के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट पूरी तरह लौट नहीं पाया। बड़े देश दौरा करने से कतराते हैं, लेकिन पीसीबी पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी को लेकर बेचैन है। उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती दिख रही। श्रीलंका क्रिकेट के 10 खिलाड़ियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान दौरे पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। इन खिलाड़ियों में वनडे टीम के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने, टी20 कप्तान लसित मलिंगा और पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज जैसे सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे को रद्द या स्थगित करने का फैसला अभी नहीं किया है। 6 मैचों की सीमित ओवर की सीरीज के लिए 27 सितंबर से दौरा होना है। देखते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट अपने सुनहरे दौर में कब लौटता है, क्योंकि अब एक क्रिकेटर ही पाकिस्तान का कप्तान है, प्रधानमंत्री है। दुनिया भर की खबरों के लिए dainikjagran.com पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार। बने रहिए jagran.com के साथ।